नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने अस्थाई को देखा। अस्थाई में हमने देखा था कि थाट भैरवी का अंदाज है, रेगा धानी कोमल, साथ ही हमने रे शुद्ध का हल्का सा कण का यूज किया था। ठीक है, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि दोनों रे का यूज हुआ। अंतरा की मैं बात करता हूं तो पहली अंतरा का अंदाज अलग है, दूसरी अंतरा का अंदाज अलग है। पहली अंतरा है उसकी शुरुआत पा से होनी है याद रखने के लिए, और दूसरी अंतरा है उसकी शुरुआत धा कोमल से होनी है। इधर हमने थाट भैरवी में गा कोमल का यूज किया, अंतरा में हम गा शुद्ध का भी यूज करेंगे। हमने यहाँ पर माँ शुद्ध का यूज किया है, थाट भैरवी के हिसाब से चले थे। यहाँ पर हल्का सा कर्ण एक माँ तीव्र का भी होना है। तो कुल मिलाकर के अब अगर सुरों को मैं अच्छे से समझूं तो ये हुआ कि दोनों रे हैं, दोनों गा हैं और दोनों माँ हैं। बाकी धा कोमल है ही, नी कोमल इधर है ही, सा और पहले बताया था कि गा कोमल तक तार सप्तक में ये जाता है, ये सारे सुर हैं। और मंद्र सप्तक में नी कोमल तक हमने यूज किया था अस्थाई में, और यहाँ पर हम धा कोमल का भी यूज करने वाले हैं जो थाट भैरवी के हिसाब से ऑलरेडी है। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं, दोनों रे दोनों गा दोनों मा थाट भैरवी याद रखिए, और इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, आप पहले पार्ट को अच्छे से देख लें, उसके बाद में इस पार्ट पे। तो पहली जो अंतरा है उसकी शुरुआत होती है पासे, जिसके बोल है लाखों में हजारों में तू ना एक तू ना नजर आई। तो ये जो लाइन है एक ही लाइन है, लेकिन इसको दो पैटर्न में यानी दो तरीके से गाया है। देखिए क्या हुआ है, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। पहला अंदाज, इस लाइन को यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं, लाखों में पाधानी पा लाखों में हजारों में पाधा सानी धा, फिर एक टूना पाधानी एक टूना समझना। पहले हुआ पाधा नी और पापे आया, फिर पाधा नी पाधा सा नी था, फिर वापस से वही हुआ पाधा नी पा मा शुद्ध, फिर मा तीव्र, फिर मा शुद्ध, फिर गा। यहां पर ये खत्म हुआ पहला अंदाज। बिल्कुल स्लोली देखिए, समझ में आ जाएगा। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर, एक तू ना, थोड़ा ठहराव है नी पर, एक तू ना नजर आई पाधा और यही चीज जब आगे जाएगी तो देखिए किस प्रकार से है, लाखों में हजारों में, यहां तक पैटर्न सेम है। और फिर से चले जाएंगे हम रे कोमल पर, तार सप्तक का रे कोमल, एक तू ना नजर आई, यहाँ पर नी शुद्ध का भी हल्का सा कण लिया है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों नी का भी यूज हुआ है। ठीक है, हल्का सा कण है नी का, लाखों में लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में हजार
यहाँ पर धा पे कंप्लीट हुआ और धा से आ जाएंगे सीधा हम सा पर। तेरा खंड आया, तेरा कोई सारे मामा, तेरा कोई खत। और यहाँ पर गा शुद्ध का देखिए यूज किस प्रकार से हुआ है। तेरा कोई खत आया, सारे मामा गामा रे नी रे, ना को ना को। उसके बाद में क्या है, ना कोई खबर आई। तेरा कोई खत आया, ना कोई खबर आई, ना कोई रे गा कोमल, ना कोई खबर, ना कोई खबर, ना कोई खबर। अरे बाप रे, यहाँ पर नी शुद्ध का भी यूज हुआ है। इधर मंद्र सप्तक में भी नी शुद्ध का। तेरा कोई खत आया, खत, तेरा कोई खत आया, आया, ना कोई खबर। तो देखिए चीज बज रही है, तो मैंने पहले प्ले किया था तो मेरे को ध्यान था कि शायद ये भी यूज किया है, लेकिन इसका भी यूज है मंत्र सप्तक में नी शुद्ध का भी। तो देखिए बिल्कुल स्लोली इस पैटर्न को, दो जो पहली लाइन थी जो दो बार में है, जो पा से शुरू हुई थी वो तो खत्म हो गया, उसके बाद में धा पे खत्म हुआ, यहाँ पे जाके गा पे जा करके नी शुद्ध का यूज करते हुए हम आगे नीचे नीचे आए तो सा पर। तेरा कोई आया, सारे मामा गामा रे नी रे, फिर ना कोई खबर रे गा कोमल, रे गा रे सारी नी, ना कोई खबर आई बस। और यहां से शुरू हो गया, पर उसके बाद में फिर वही हम तार सप्तक के साथ में चले जाएंगे। क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, वही पैटर्न। तो चलिए अंतरा के जो सारी लाइनें हैं उनको मैं फटाफट से इस पैटर्न को रिपीट कर देता हूं। ला, थोड़ा लिरिक्स सामने रखता हूं। लाखों में हजारों में एक नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। तेरा कोई खत आया, ना कोई खबर। के बाद में है क्या तूने, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। ये वही पैटर्न आ गया, मुझे पीने का शौक नहीं तो जो चढ़ाव है वही पैटर्न। ठीक है, तो पहली अंतरा मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी अंतरा पर, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि धा कोमल से होगी। उसकी पहली लाइन, खोई हो किताबें दिल, जिस दिल का है यह बार रिपीट होती है, पैटर्न वही का वही सेम है। तो इसमें देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। खोई हो किताबें दिल, धापा
यहाँ पर गा शुद्ध का यूज है, ये ध्यान दीजिएगा। खोई वह किताबे दिल, फिर जिस दिल का सारे मामा, जिस दिल का है यह हिस्सा, सारे मामा मामा गा मापा धानी धापा मा गामा, धानी धापा मा गामा वो कनेक्टर है, ठीक है। तो एकदम स्लोली देखिए, दो बार रिपीट होती है, फिर हम अगली लाइन करेंगे। खोई वो किताबे दिल, वापस और फिर मैंने ये सागापा ले लिया कॉर्ड यहाँ पर, या मैं यहाँ के हिसाब से ले हूं, तो ये हमारा हो गया मा धा और सा। तो हम चले जाएंगे सीधा सा पर। एक ही सा है पास मेरे, एक ही सा है पास मेरे, सा धा सानी धा सानी धा पा, तेरे पास है एक हिस्सा, तेरे पास है पादानी नी नी, तेरे पास है पादानी नी नी पा नी धा पा मा, तेरे पास है और फिर वही पैटर्न जो हमने शुरुआत में किया था, जिसकी जिसके बोल हैं, मैं पूरा करूं कैसे इस दिल के फसाने को। तो चलिए पूरा रिपीट करता हूं बिल्कुल स्लोली। खोई वो है किताबे दिल, जिस दिल का है यह हिस्सा, मा गामा और गा शुद्ध है। खोई वह किताबे दिल, जिस दिल का है यह हिस्सा, एक हिस्सा है पास तेरे मेरे, तेरे पास है एक हिस्सा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो दोस्तों आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, सुरों का बहुत सारा वेरिएशन है, मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, बस करते रहें। एक अंतरा को चाहे आप दो दिन लगे, लेकिन परफेक्टली तैयार करें, अगले दिन अगली तैयार करें, लेकिन अच्छे से तैयार हो उसके बाद ही छोड़ें। तब तक बस आप इसको घिसते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और चैनल या वीडियो पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।